अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर। मिलियनेयर मेरे साथ है ज़ीशान मसूद। ज़ीशान मसूद हमें सिखाएंगे कि फॉरेन से, जापान से गाड़ियां किस तरह इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, वो बिज़नेस कैसे चलता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कौन से फड्डे जिनमें आप पढ़े, आप मैंने नहीं पढ़ना, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। पहले तो उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ज़ीशान आपको कितना अर्सा हो गया ये गाड़ियाँ जापान से लाते एंड बेचते। आज़ाद भाई, मुझे पाकिस्तान में तकरीबन 2 साल हो गए हैं ये काम करते हुए गाड़ियों का। इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस था ईस्ट अफ्रीकन कंट्री तंजानिया में, मैंने काम किया है, तो वहाँ पर तकरीबन 4 से 5 साल मैंने गाड़ियों का टोटल 6-7 ईयर्स जी जी बिल्कुल 7 साल में जो हो गए हैं इस काम में। तो लाइक ये है कि अभी पाकिस्तान में रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, ये मेरा न्यू स्टार्टअप है। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो लाइक मुझे जैपनीज ऑक्शन हाउसेस की सारी अप्रोचेस हैं मेरे पास, मैं सारे ऑक्शन हाउसेस से परचेजिंग करता हूं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैं लाइक केन्या, तंजानिया, चिली, यहां पर भी अपना जो स्टॉक है वो सेल आउट करता हूं। यानी यहां पर बैठ के आप वहां से ख़रीदते हैं? जी बिल्कुल, जापान से करके शिप कर देता हूँ जो भी रिस्पेक्टिव मेरा कंट्री है जहाँ पर मुझे स्टॉक मेरा चाहिए। माशाल्लाह, आज तक पाकिस्तान में आपके पास अभी कितनी गाड़ियाँ और कितनी आप बेच चुके हैं या टोटल आप कितनी बेच चुके हैं? राइट नाउ पाकिस्तान में मेरे पास अराउंड 7 से 8 गाड़ियां हैं अभी, और जापान में मेरे पास 3-4 गाड़ियां अभी स्टॉक अभी है जो कि मैंने शिप करवानी है। तो अभी 2 सालों में तकरीबन 16-17 गाड़ियां मैंने सेल आउट की हैं पाकिस्तान। माशाल्लाह, इनका एक टैक्टिक जो बहुत मुझे मज़े का लगता है वो ये है कि इनका खुद का शोरूम नहीं है, दूसरे लोगों के शोरूम पर ये गाड़ी पार्क कर देते हैं। सामने वाली हमने देखी, यहाँ पर हमने 2 गाड़ियाँ देखी हैं, एंड हम आगे आपने कहा कि आपकी कोई मरम्मत होने गई है, वहाँ पे हम जाएंगे देखने के लिए, राइट? सो आपने कितने पैसे में शुरू किया था? आज़ाद भाई, जब मैंने पाकिस्तान में काम स्टार्ट किया तो मेरे पास बजट कम था, क्योंकि मैं लाइक 1 से 2 गाड़ियां मैंने स्टार्ट में मैंने इंपोर्ट की हैं, फिर उनको जो है ना सेल आउट करके, तो मैंने ना अपने क्लाइंट एवरेज जो है वो बढ़ाया, और कुछ थोड़ा सा मैंने अपने साथ कुछ इन्वेस्टर्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे जो कि इंटरेस्टेड थे इन गाड़ियों के काम में, तो उनको अपने साथ मिलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक अभी 6-7-8 गाड़ियाँ मेरे पास लाइक लाहौर में अवेलेबल हैं। उनकी भी, आपकी भी? जी। सो अ पर्सन विद अबाउट से 20 लाख रुपीस शुरू कर सकता है? बिल्कुल, आप इवन 15 लाख से शुरू कर सकते हैं अगर जैपनीज गाड़ी आपको चाहिए तो, लाइक 15 लाख इज़ इनफ। अगर आप मेरे साथ चलते जाएं, आई एम गोना शो यू वन ऑफ हिज कार्स जो यहाँ पे अभी पार्क हुई हैं, 2 और 3 बिक गई हैं, सो हम वो आपको दिखा नहीं सकते। कानून क्या कहता है अबाउट, क्योंकि मुझे पता है अब फॉरेन कंपनीज को हम बुला रहे हैं यहाँ पे, पर्जो को बुला रहे हैं, चाइनीज जो हैं कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं टू बिल्ड कार्स खुद, पहले तो यहाँ पे था और अब भी है डोमिनेंस ऑफ जापानीज माफिया जो हमें घटिया कारें देता है। फर्ज करिए आल्टो इनकी है, इसको देखें बनिस्बत जो यहाँ पे अभी जो बिक रही है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें जी सेंसर्स हैं, ऑटो ब्रेकिंग है, अपना तगड़े से गियर हैं, ठीक अंदर से, लेट मी शो देम फ्रॉम इनसाइड। आप ये अंदर देखिए, बूट देखिए, क्वालिटी इसकी देखिए, एंड कंपेयर टू जो हमें यहाँ पे बिकता है, और ये आपने कहा था कि तकरीबन सेम होती हैं जी, ऑलमोस्ट लाइक अगर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मैन्युफैक्चर देखें तो वैसे तो लग्जरी कंफर्ट में हेल ऑफ डिफरेंस है, लेकिन अगर प्राइसेस में देखें तो समटाइम ऐसा भी होता है डिपेंडिंग अबाउट द कंडीशन, समटाइम जैपनीज गाड़ी 1-2 पीस टच या लाइक अगर एक्सीडेंटेड हो तो वो इवन पाकिस्तानी गाड़ी से भी सस्ती पड़ जाती है, पाकिस्तानी ऑल्टो से भी सस्ती पड़ जाती है। आपने एक्सीडेंट में जिक्र किया जी, उस पर हम आएंगे इन ए सेकेंड, क्योंकि जापान में ये गाड़ियाँ क्यों सस्ती हैं? जापान, आपको पता है कि जापान की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, गाड़ियाँ लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं पूरी दुनिया में अगर जापान देखें, जापान में जो लाइक जो एक्सीडेंट गाड़ियाँ हैं उनकी जो वैल्यू है वो इसलिए कम है, फ़ौरन गिर जाती है क्योंकि उनको रिसाइकिल करवाना पड़ता है, उसको रिसाइकिल में भी उनको $200-$300 छोटी गाड़ी में पे करना पड़ता है, तो इंस्टेड ऑफ दैट वो प्रेफर करते हैं इस गाड़ी को एक्सपोर्ट कर दें, या कोई पाकिस्तानी एक्सपोर्टर है वहाँ पर, डीलर है, वो उसको सेल आउट कर देते हैं, फिर वो रिस्पेक्टिव कंट्री में जो है ना वो भेज देता है, पाकिस्तान है, कीनिया है, अफ्रीका है। ये गाड़ी आपको जापान में, सिर्फ जापान में कितने की पड़ी थी? ये गाड़ी लाइक एक्सीडेंटेड थी, लेफ्ट साइड से 2 पीस इसके जो टच थे, ये अराउंड लाइक 5 लाख के करीब जो है ना मुझे इसकी कॉस्ट हुई थी कराची पोर्ट तक, लेकिन उसके बाद फिर टैक्स लगता है, टैक्सेस, ड्यूटी, टैक्स की शराब बहुत ज्यादा होती है, इट बेसिकली लंबा सा फॉर्मूला है, लेकिन पहले 3 महीने 4-4% कम होती है फ्रॉम दी वो जो किताबी बुक प्राइस होती है, ठीक है, ये 5 दिन पुरानी है, 5 महीने पुरानी है,
इट डजंट मैटर, जिस साल ये बनी थी जिस कीमत पे ये बिकी थी वहाँ से कीमत गिरना शुरू हो जाती है, फिर अगले कंसेक्यूटिव मंथ्स दो दो महीने दो दो परसेंट फीसद गिरती जाती है और मैक्सिमम आपको डिस्काउंट 50% मिलता है। जो आइडियल इसका जो एज होना चाहिए वो 26 महीने, 26 महीने पे दरअल आपको 50% मार्जिन है। ये कितनी यानी 50% कम हो जाता है टैक्स आपका। आपने डैमेज की बात की थी, डैमेज में क्या होता है कि थोड़े नाजुक हैं, थोड़े ज़्यादा कायदे कानून के बंदे हैं तो वो फौरन कहते हैं कि नहीं यार ये सेफ नहीं है, जिसको हम कुछ नहीं मानते वो ज़रा उस पर ज़रा ज़्यादा हसास है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो जापान की रोड वर्दीनेस का जो टेस्ट होता है वो जब क्लियर नहीं कर पाती गाड़ियाँ तो वो उसको स्क्रैप कर देते हैं या रिसाइकिल कर देते हैं या एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक, ये तो हो गई। और फिर आपने कहा कि जब हम ऑक्शन से ले लेते हैं, जब ऑक्शन से आप लेते हैं तो आपको वो तस्वीरें बेचते हैं जी, यानी शफाफ साफ किस्म का प्रोसेस है जी, ये लगी है ये लगी है ये चीज़ आप तक पहुँचेगी। जो अभी आप गाड़ी देख रहे हैं इनकी है, यू कैन प्रॉब्ली सी सम बिहाइंड द सीन्स, इनको चलाते हुए देख सकते हो, क्योंकि जब हम इनको मिले थे इनके घर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने थोड़ी फिल्मिंग की थी। उस गाड़ी को अगर आप देखें अब की जो हालत है उसमें और ये जो अभी हम आपके साथ तस्वीरें शेयर करें कि ये वो तस्वीरें जो इनको ऑक्शन पे दिखाई दी गई थी, यार ये देख लें उस गाड़ी का अगर आप पैनल देखें, फेंडर जो है वो आपने अपडेट किया, उसका दरवाज़ा आपने चेंज किया, तो गाड़ी थोड़ी डेंट वेंट करके ऑलमोस्ट पाकिस्तान के लिए तैयार हो चुकी है। ठीक है, फिर आगे मैं आपको कानून पे लेके आऊँगा। ओके, थोड़े चलते फिरते हैं ताकि सीनरी भी बदलती रहे। कानून क्या कहता कि मैंने सुना था कि भाई सिर्फ फॉरेनर्स ला सकते हैं, पाकिस्तानी नहीं ला सकते, ये पाबंदी कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं, थोड़ी वजाहत करें जी। अकॉर्डिंग टू इम्पोर्ट पॉलिसी जो है पाकिस्तान में, जो ओवरसी पाकिस्तानी वो ही गाड़ी को पाकिस्तान में भेज सकते हैं, वो भी तीन स्कीम्स के तहत भेज सकते हैं। एक बैगेज स्कीम है, एक ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम है और थर्ड वन जो है वो गिफ्ट स्कीम है। गिफ्ट स्कीम का एक लुक वैसे एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि गिफ्ट है तो लाइक टैक्स एग्जेम्पशन है, ऐसा कुछ नहीं है। इन तीनों स्कीम्स में आपको टैक्स पे करना पड़ता है, लाइक गाड़ी की जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स पे करना पड़ता है। तो लिहाजा जो अगर आप कहते हो कि जी 7 मेरे पास अभी हैं, 16-17 पहले बेच चुका हूँ, आपने दोस्त यार ढूंढे हैं जी? बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे ऐसे जो ओवरसी पाकिस्तानी फ्रेंड्स और फैमिली है, क्योंकि मैं खुद ओवरसी रह चुका हूँ, 5 साल मैंने वहाँ पर गुजारे हैं, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो लाइक मैं उनके साथ जो है बात करता हूँ, लाइक आपकी कुछ सेविंग्स हैं तो आप क्यों ना एक एसेट बनाओ पाकिस्तान में, तो वो जापान से गाड़ी खरीदते हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन और जो लाइक पैसे जो ड्यूटी के वो भेजते हैं, तो यहाँ पर गाड़ी मैं क्लियर करवाता हूँ और बाकी उसकी डेंटिंग पेंटिंग जो यानी पूरी कंडीशन जो है ना उसकी रिकंडीशन जो है ना उसकी सारी जो है ना कंप्लीट करके तो उसको फिर सेल आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी देर में हम चलते हैं टूवर्ड्स द एक्चुअल डेंटिंग वाली दुकान, बट इससे पहले जो इम्पोर्टेंट सवाल सारे जो जिसका इंतजार कर रहे हैं, इसमें मार्जिन कितना है? ठीक है जी, ये गाड़ी आपको 15 लाख की यहाँ पे पहुँच गई, ये बिकती कितने की है? चल ये नहीं, कोई आपकी वाली वो जो है जी, लाइक आज़ाद भाई ऐसा है कि ये जो फील्ड है इसमें लोग जितना झूठ बोलते हैं वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, लाइक एक वो डीलरों की एक ज़बान में एक वो बनी हुई है बात ना, तो लाइक लेकिन मेरा जहाँ तक वो है कि 10-15% जो है ना प्रॉफिट है मैक्सिमम इस जो है बिजनेस में। ये मैक्सिमम है ये कहीं नहीं जाता, लाइक डिपेंड करता है, अगर आप गाड़ी ज़्यादा डैमेज उठा लो और उसको झूठ बोल के अगर आप सेल आउट कर दो एंड यूज़र को तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन जो हलाल जो मुझे लगता है, मैं आई एम नॉट सेइंग कि मैं मतलब शरई तौर पे वो कर रहा हूँ, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि 10-15% जो है ना लाइक मैंने जो फील किया है लाइक 10-12% 15% मैक्स जो है इसका जो है प्रॉफिट जो है हमें मिलता है, लाइक 15 लाख की गाड़ी है तो लाइक मैक्स आपको 1.5-1.75 लाख मैक्स वो आपको प्रॉफिट दे सकती है। गुड हो गया। मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि ये देखिए मेरी मर्सिडी जिसमें जी बेल्ट है, एबीएस है, पावर स्टीयरिंग है, सीडी है, फ्लां 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 टिंग, 15,000 पाकिस्तानी रुपए में आपने फॉरन में सबसे सस्ती गाड़ी कितने की खरीदी है? आज़ाद भाई मैं तंजानिया में था और मैं उस वक्त तंजानिया की मार्केट देख रहा था और मैं ऑनलाइन परचेजिंग करता था, सिर्फ मैं जापान नहीं गया था उस वक्त तक, तो मैंने एक दफ़ा मैं ऑनलाइन ऑक्शन में बैठा हुआ था और मैंने पहली पुश की 3,000 येन की और आई गॉट दैट कार, वो थी टेरियोस किट 2002 मॉडल और ब्लैक कलर में थी। आई कैन प्रोवाइड पिक्चर्स और डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड कर ना, मैं मान लेता हूँ क्योंकि मैंने तो मेरा तो पूरा वीडियो है, मैंने दिखाया इनको। एक्सीडेंट शुदा थी या वैसी पुरानी? नहीं, नॉन एक्सीडेंट थी। मेरी भी नॉन एक्सीडेंट,
डिफरेंट है, ठीक ठाक गाड़ी, उसमें वो हर सहूलत, हर चीज, हीटर सीट्स, दूसरा लटर पटर सब होगा। पाकिस्तानी रुपए 4,500 अब 4,500 रुपए बनता है जो ऑक्शन प्राइस थी उसकी, जो लाइक वो लाना जाना वो बात, वो कैरिज वाला था। यूके में ऐसे भी हालात आते हैं कि जब आपको अगले पैसे देने के लिए तैयार होते हैं कि भाई मेरे से 10,000 रुपए ले लो, मेरी गाड़ी ले जाओ ताकि उसके गले से उतर जाए। तो हमारी जो हुकूमत है, मैं पहले मैंने जो लास्ट इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था कि उंगली कब निकालेगी, आई एम नॉट गोना यूज दैट इस बार, ठीक है, मैं थोड़ा तमीज़दार हो गया, मैं तमीज़दार नहीं, आई लिटरली जो है मैं उसको कहता हूँ, ओके। वक्त आ गया कि वी बिकम रिस्पॉन्सिबल, वक्त आ गया कि हमें पता चले कि वो ब्लडी गरीब कंट्री है, जितने में आपने ये कहा ना, इस पर टैक्स लगा होगा 10 लाख का, आपका टैक्स लगा होगा इस पर, यकीन है 10 लाख में मैं शायद खेतू भर सकता हूँ ऑफ कार्स। ये बात की बात है कि हमारी मोटरसाइकिल वाला जब कार लेगा तो हमारी सड़कें वो सह नहीं सकेंगी, बट उस पर हमें ठीक ठाक टैक्स लगा लेना, जो टैक्स आप यहाँ की जो सुजुकी को लगाते हैं नई को, वो हमें लगा लें उन गाड़ियों पे, वो गाड़ियाँ 1,000 गुना बेहतर है यहाँ से, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे कचरा बिकता है। सो लेट्स गो टू द वहाँ पे। अच्छा जी मिलिनारो, हम आ गए हैं गैराज पे, बस मैंने की जो गाड़ियाँ थी आपसे शेयर करनी थी, दिखानी थी कि ये देखिए डैमेज, लुक एट दिस, ये एंड बॉक्स है, ये तकरीबन आपको बाहर से 4-5 लाख रुपए का मिलता है, राइट, बाकी टैक्सेस पे लगा 4-5 लाख, ये कुछ भी नहीं है यार डैमेज, जिस तरह कहा वो थोड़े नाजुक है, उनके थोड़े कवायद कानून हमसे सख्त है, स्ट्रिक्ट है। हैव अ लुक इनसाइड, जुल्म नहीं है हमारे साथ मेहरान बेच बेच के, हैव अ लुक इनसाइड। आप पीछे देखिए पूरे का पूरा कैबिन यार, ये सीटें उतार दे, उतर भी जाती हैं तो वैगन हो गई कमर्शियल, किसी कैरी डब्बे से 1,000 गुना बेहतर है। हैव अ लुक एट दिस वन, क्या डैमेज है इसका, सिर्फ की ब्रश वाली साइड जो है, ये जो है रगड़ खाई हुई थी तो इस वाली साइड को पेंट करवाया, रीपेंट कर दिया, रीपेंट कर दिया इसको। ये भी आपको क्या 5 लाख की पड़ेगी, वहां पे 5 लाख रुपए की पड़ेगी, बाकी टैक्स शेक्स हो गया, कितनी तगड़ी चीज है। हैव अ लुक इनसाइड, इसका भी अंदर देखिए, इसका सीटिंग थोड़ा सिस्टम है, एंड हैव अ लुक, देख सकते हैं भाई थोड़ी दूर शूल है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, तगड़ी ठीक ठाक सुजुकी है। हमारे वाली सुजुकी को हम गाले निकाल सकते हैं, फॉरेन वाली वहाँ पे अच्छी चीज़ है, लेकिन आई कॉल इट अ जापानीज माफिया, ठीक है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। शैल वी गो बैक टू द शोरूम, आ जाए जी, इधर से निकल आते हैं। ओके जी, आपने देख लिया गैराज, आपने देख लिया वो गाड़ी जो दो जो टूटी हुई हैं, एंड हमारी दोनों की तरफ से खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू हैव लर्नड। पसे पर्दा इनसे मैं बात कर रहा था अबाउट के कैन यू हेल्प आउट यंगस्टर्स क्लियरेंस शेयरेंस। हाँ जी बिल्कुल, पैसे शैसे कितने चार्ज करेंगे? बहुत नॉमिनल से चार्ज करता हूँ मैं, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो आपके पास ज़्यादा हों तो एंड ऑफ द डे वही बात आ जाती है, तो एज मैनी एज पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में, ऐसी सर्विस हो सकती है, क्लियरेंस को छोड़ें, बंदा आपके साथ बैठा हो, आप उनको ऑक्शन दिखाएं और कहें यार ये वाली गाड़ी मुझे खरीद दे। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है, मैं ऑक्शन दिखा के उनको उनकी चॉइस ले सकता हूँ कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, देन वो गाड़ी को बुक करके जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। लास्टली मैं इसमें अपना डिस्क्लेमर फेंकूंगा, मैं आज इनसे पहली बार मिला हूँ, मैंने जितनी मेरी तरफ से वेरिफिकेशन हो सकती थी बाय लुकिंग एट द वेरियस कार्स मैं गया हूँ, मैंने देखी हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कल ये जीशान भाई चोर निकलते हैं, गाड़ियाँ आपकी बाके निकल जाते हैं, आप किसी के पास जा सकते हो, ठीक है, बट जहाँ तक मेरा यानी वेरी फ्यू पीपल विल गिव यू दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, आप जितने प्रिकॉशंस होते हैं आप ज़रूर लीजिए, इट्स मनी, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, स्टे सेफ और लगे रहो मेरे बबर शेर मिलियनेयरों। ये था एक और बिजनेस जो आपने सीख लिया, करना है नहीं करना, कम से कम सीख तो लिया, इन्फॉर्मेशन तो हो गई। अस्सलाम वालेकुम।